अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर किसी को थोड़ा बहुत याद हो क्या पढ़ा था? सर टीम स्लाइड पर पढ़ा था। लास्ट क्या टॉपिक था 18 स्लाइड में? रेडियोएक्टिविटी पढ़ा था, डीके कांस्टेंट, इसके अलावा हाफ लाइफ, आगे उसकी सारी इफेक्टिव हाफ लाइफ, एवरेज हाफ लाइफ, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। ओके, रेडियोन्यूक्लाइड्स की प्रोडक्शन पढ़ी थी, आर्टिफिशियल। गुड, ठीक है। अब हमने आज से आगे पढ़ना है, हमने एक मेथड पढ़ लिया था जिसमें था रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियोन्यूक्लाइड्स, ठीक है। अब आगे आज हमने पढ़ना है साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस्ड और फिशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं, एक्सीलरेटर और साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस रेडियोन्यूक्लाइड्स। एन एक्सीलरेटर इज द सोर्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हीलियम एंड अल्फा पार्टिकल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन अकरिंग विद चार्ज पार्टिकल्स इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी ऑफ बॉडी पार्टिकल्स। अब जब साइक्लोट्रॉन होता है ना, वो एक ऐसी क्या नाम है डिवाइस है जो प्रोडक्शन करती है किसकी, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, या हीलियम न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए। अब जो उसके बैकएंड पे फिजिक्स चल रही है ना कि वो किस तरह क्या चीज यूज करके वो प्रोटॉन्स को बम्बार्ड करवा रहा है या न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवा रहा है, वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। हमें जो चाहिए वो क्या है कि हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप चाहिए हमें, ठीक है। तो हम सिर्फ ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये पता लग जाए कि किन किन मेथड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके मशीन के बैकएंड पे क्या फिजिक्स है, ठीक है। लाइक साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन, तो उसके बैकएंड पे क्या फिजिक्स चल रही है हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और ना ही हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। हमारा काम क्या है कि हमारे पास रेडियो न्यूक्लाइड आया, हमने उसको फार्मास्यूटिकल के साथ मिक्स किया, ठीक है, और पेशेंट को इंजेक्ट करके इमेजिंग की, ठीक है। वो कहाँ था, कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्यों प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हाँ, बट वी शुड हैव द नॉलेज कि वो किन किन वे से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। आगे वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि अकर करेगा, मतलब यानी कि प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट अगर हम किसी एलिमेंट के ऊपर करवाएं, न्यूट्रॉन की करवाएं, हीलियम की करवाएं, तो क्या उनका रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है कि जो आपके बम्बार्डमेंट पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है, ठीक है। क्या वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, क्या वो इतनी एनर्जी रखते हैं कि वो किसी एलिमेंट के ऊपर जाकर स्ट्राइक करें तो उसको ब्रेकअप कर दें, ठीक है, इन दिस वे। ये आपका साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, इतना एक बड़े साइज का होता है। ये उसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया एनिमेटेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये पीछे जो फनल है, ठीक है, ये सेंटर में ये फनल दिखाई दी है कि इस फनल से आपका जो क्या नाम है चार्ज पार्टिकल है वो आता है, ठीक है। ये साइडों पे दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो कि उसको क्या नाम है रिवॉल्व करने के ऊपर मजबूर करते हैं इनटू अ सर्कुलर फैशन, ठीक है, इस सर्कल के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपका चार्ज पार्टिकल आया, ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं उनको सर्कुलर रिवॉल्व करवाते हैं, ठीक है। आगे वो रिवॉल्व करते करते जो एंड वॉल है उसके पास जाता है और फिर आगे उसके पास एक आउटलेट होता है, ठीक है, जिस आउटलेट के थ्रू वो जाके फिर आगे एलिमेंट के ऊपर स्ट्राइक करता है, ठीक है। और वो एलिमेंट किस तरह, जाहिर सी बात है हमने कुछ पाउडर वगैरह नहीं रखा होता, एक जैसे आपके पास एनोड होता है ना एक्सरे ट्यूब के अंदर, सिमिलरली यहाँ पे भी एक टारगेट क्या नाम है आपने रखा होता है जिसके ऊपर जाके वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं और फिर वहां से आगे क्या नाम है कोई उनका आइसोटॉप प्रोड्यूस होके तो वो कैप्चर किया जाता है। समझ आई है इसकी? यस सर। बाकी सारी वहां
माहम जाहिद? यस सर। बाजी मुझे बताएं क्या बताया मैंने? हाँ बाजी आपसे पूछ रहा हूँ। मौज अरशद? यस सर। भाईजान बताएं मैंने क्या बताया? सर समझ नहीं आई इसकी। तो मैं जो क्या ना मैं पीछे बोलता हूँ बार बार के मुझसे पूछ लिया करो पूछ लिया करो। समझ आ गया सर? लेक्चर के एंड पे क्वेश्चन मैंने करना था इस स्लाइड का, मैंने स्लाइड नंबर याद कर ली थी। सही सदके जाऊं तुम लोग। मोमिना यस सर। बाजी सो के अगर उठ गई है तो समझ आई है तो बता दे मुझे थोड़ा सा कि क्या समझ आया। सर इतनी नहीं आई समझ अभी। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? वो दोनों बोल देती हैं सिर्फ माहीन और मलाइका की जी समझ आ गई है तो बाकी तुम सारे सुते रहते हो। तुझे उठना है कि नहीं है तो मैं दुनिया तो उठा दा सारे नु। सर उठे हुए हैं सोए तो नहीं है। नहीं मलाइका जी सर। ये जो दो स्लाइड्स मैंने बताई हैं इनको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर फिर हम आगे चलें। सर आपने ये बताया कि जैसे चार्ज पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन हीलियम ये साइकिल फैशन में मूव करते हैं और एंड तक जाते हैं वो वहाँ पे टारगेट होता है जैसे एक्सरेस पे एनोड जाके स्ट्राइक करते हैं वहाँ पे यहाँ पे टारगेट होता है वहाँ पे जाके स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस होता है। वैसे कभी कभी मुझे फील होता है मलाइका डीन आना बनता था कभी कभी फील नहीं होता मैं कंफ्यूज हुआ हूँ। अब ये इसको कॉम्प्लीमेंट समझो या बिस्ती ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी आगे वो कहता है फॉर ईच चार्ज पार्टिकल एंड टारगेट देयर इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी बिलो व्हिच द न्यूक्लियर रिएक्शन डज नॉट अकर एट ऑल। ठीक है जैसे कि ऊपर भी उसने बताया कि क्या आपका जो रिएक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा एनर्जी बोम्बार्डिंग पार्टिकल की। ठीक है तो किसी भी रिएक्शन के अकर करने के लिए एक स्पेसिफाइड एनर्जी होती है बोम्बार्डिंग पार्टिकल की जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है अगर वो उस उतनी एनर्जी नहीं होगी बोम्बार्डिंग पार्टिकल की तो आपका रिएक्शन कभी भी नहीं अकर करेगा। दिस इज ड्यू टू द रिपल्सिव कूलम्ब फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज टारगेट न्यूक्लियर। ठीक है ये एनर्जी की थ्रेशोल्ड क्यों एग्जिस्ट कर रही होती है क्योंकि जो आपका टारगेट है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो आपके बोम्बार्डिंग पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है इस वजह से ये एनर्जी का थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। जनरली द थ्रेशोल्ड इज इन द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज। ठीक है जो आपका थ्रेशोल्ड की एनर्जी होती है यानी कि जितनी आपको चाहिए मिनिमम फॉर अ रिएक्शन टू अकर वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस फॉर प्रोटॉन्स आर एज फॉर एग्जांपल एक्स एक एलिमेंट है उसमें एक प्रोटॉन ऐड किया गया ठीक है और एक न्यूट्रॉन निकल गया। ठीक है अब इसके एटॉमिक नंबर में प्लस वन का फर्क पड़ा ठीक है बट न्यूट्रॉन के निकलने से उसके एटॉमिक मास पे फर्क क्यों नहीं पड़ा? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस प्लीज? माहीन यस सर कैन यू एक्सप्लेन इट? सर समझ नहीं आया देख रही हूँ मैं अभी। देखो मैं समझाता हूँ अब इसको और समझ लेना। एक्स एक पार्टिकल था पार्टिकल एक्स एक एलिमेंट था उसके ऊपर आपने प्रोटॉन की बोम्बार्डमेंट करवाई ठीक है रिएक्शन हुआ एटॉमिक नंबर के अंदर वन ऐड हो गया मतलब एक प्रोटॉन ऐड हो गया ठीक है बट यू कैन सी के एक न्यूट्रॉन निकल रहा है। ठीक है तो न्यूट्रॉन निकल गया और प्रोटॉन ऐड हो गया तो एटॉमिक मास पे कोई फर्क क्यों नहीं आया? एटॉमिक नंबर तो वन से इंक्रीज करा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इस तरह से डिपेंड करते हैं ना कि एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है तो प्रोटॉन ऐड हुआ है। इसने बताया है न्यूट्रॉन की जगह पे सर मैंने मैंने का नाम तो नजर नहीं आ रहा। ओ माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे। हाँ ठीक है सारा ने बिल्कुल सही बताया कि क्या हुआ है कि आपका जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर मिला के होता है। ठीक है तो अगर एक न्यूट्रॉन निकल रहा है तो उसकी जगह पे एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है इसीलिए हमारे पास एटॉमिक मास में कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि न्यूट्रॉन को कंपनसेट कर दिया प्रोटॉन ने। हाँ बट एक प्रोटॉन इंक्रीज कर गया ठीक है तो हमारे पास एक एटॉमिक नंबर के अंदर एक एडिशन आ गया।
अब उसी का दूसरा डायरेक्शन देखो, ठीक है, कि एक पार्टिकल एक एलिमेंट के अंदर आपने प्रोटॉन की बॉम्बार्डमेंट करवाई है, अब वहां से निकले हैं दो न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो क्या हुआ है, प्रोटॉन तो ऐड हो गया बट यहाँ एटॉमिक मास पे माइनस वन आ गए, क्यों, जब एक न्यूट्रॉन निकला था तो एटॉमिक मास को कंपनसेट किया एक प्रोटॉन ने, ठीक है, बट जब दो न्यूट्रॉन्स निकल गए आपके एलिमेंट के अंदर से तो आपके पास एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, इन द न्यूक्लियस. इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर. ठीक है जी, ये मैंने कल बैठ के ना तुम लोगों के लिए मैं स्पेशल ये थोड़ी सी एग्जांपल तैयार की थी अपनी टूटी फूटी राइटिंग में, मैंने कहा शायद तुम लोगों को अगर समझ ना आए तो इससे समझ आ जाएगी, ठीक है. उसके बाद वो कहता है द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस फॉर द न्यूट्रॉन्स आल्सो नोन एज हेवियर हाइड्रोजन आर. अगर आपने एक एलिमेंट एक्स है उसके अंदर आपने न्यूट्रॉन ऐड किया है और एक न्यूट्रॉन एमिट हो गया, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, जी प्लस वन एंड ए प्लस वन, ठीक है, क्यों, दो चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है, एक जो उसके अंदर से निकल रहा है वो पहले भी निकल रहा था, उसकी जगह क्या कंपनसेशन हुई, प्रोटॉन ने कंपनसेट कर दिया, या जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वाला था उसने कंपनसेट कर दिया, ठीक है, और एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो इसकी वजह से इसके एटॉमिक मास पे भी डिफरेंस आ गया, ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, इसी तरह अगर प्रोटॉन एमिट हो जाता है तो आपका एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट क्योंकि दो न्यूट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, एक पहले वाला और एक ये वाला, तो ए प्लस वन हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह ये रिएक्शन जो दो न्यूट्रॉन्स ऊपर निकले थे आपके क्या नाम है एटॉमिक मास पे फर्क नहीं आ रहा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, ठीक है, इसके लिए भी ये वाली एग्जांपल ना समझ आए सर ये दोबारा बता दो. कौन सा वाला दोबारा बता दूं? सेकंड वाला, ये प्रोटॉन वाला. जी सर. न्यूट्रॉन के अंदर होता है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, अब जब प्रोटॉन ने ऐड होना था, ठीक है, वो न्यूट्रॉन ऐड हुआ एक एलिमेंट के अंदर, उसमें से एमिट क्या हुआ, प्रोटॉन, ठीक है, अब वो प्रोटॉन तो बाहर निकल गया, ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, सिर्फ एक न्यूट्रॉन, और उस न्यूट्रॉन के ऐड होने की वजह से आपका एटॉमिक मास बाय वन इंक्रीज कर गया, सिंपल. समझ नहीं आई बेटे आपके सवाल की. सर पहले दो इक्वेशंस में आपने जब वो ऐड किया 1-1 तो वो ठीक हो गया, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकले हैं, तो कि यहां पे 1-2 ऐड कर रहे हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ने कंपनसेट कर लिया, तो एक जो 2 वाला एक्स्ट्रा होगा वो क्या करेगा? तो वो a+1 कर तो रहा है आपको. वो तो पहले कंपनसेट कर रहा है ना आपस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को. तो बेटे वहां पे देखो ना a प्लस वन भी तो नहीं हो रहा, ये भी तो चीज नोट करो, यहाँ a प्लस वन हो रहा है. ओके सर, इसको घर बैठ के थोड़ा समझना गौर से, उसके बाद अगर ना समझ आए फिर मुझसे जरूर क्वेश्चन करना, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस है ना बैठ के इनको एक दफा हाथ से निकालोगे ना देन यू विल गेट इट कि किस तरह है, ठीक है, समझ आ गई है? जी सर, ठीक है. अगर नाना समझ आए अभी भी घर में बैठ के करने के बाद देन मेल मी आई विल रिप्लाई, ठीक है. अच्छा जी, वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द अबव रिएक्शंस अकर इन द रेंज ऑफ 5 टू 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज द एनर्जी ऑफ द बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स फर्दर इंक्रीजेस अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस अकर. कॉमन रिएक्शंस फॉर द हीलियम आर किसी एक एक्स पार्टिकल एलिमेंट के ऊपर आपने हीलियम के उस बम्बार्डमेंट करवाई, ठीक है, एक न्यूट्रॉन एमिट हो गया और आपका जो एलिमेंट है वो चेंज हो गया वाई में, ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस थ्री इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जो न्यूट्रॉन था वो एमिट हो रहा है, ठीक है, जो उसके अंदर पड़ा हुआ था, और दो प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं तो जी प्लस टू, ठीक है, अब यहाँ पे दो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं तो आपका ए प्लस टू हो गया और साथ जी प्लस टू हो गया. बैठ के इन रिएक्शंस को करना अपने हाथ से समझ के, अगर ना समझ आए तो हम इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है. ओके सर. मैं पहले पूछूंगा कि क्या मसला था,
उस मसले के बाद, ये नहीं कि करना ही नहीं है और दोबारा कहने के सर जी ये हमें करवाए, इस तरह नहीं। ना समझ आया तो माहीन और मलाइका है तुम लोगों के पास, यू कैन आस्क देम आल्सो। माहीन मलाइका अपने क्लास फेलोज की भी हेल्प कर दिया करो। जी सर जरूर। ये जो लोग अकेले अकेले पढ़ते हैं ना, उनके नंबर कभी अच्छे नहीं आते, मेरे बात याद रखना, इसलिए दूसरों की मदद करना सीखो। सही है ना मलाइका? जी सर। ये अगर मदद नहीं ना करोगी तो फिर इसी तरह फंसती रहोगी सिस्टोल और डायस्टोल में। सर ये तो छोड़, ये पूरा सेमेस्टर चलना है, देखती जाओ बस। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं सम रेडियो न्यूक्लाइड यूज्ड रूटीनली इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड प्रोड्यूस इन एन एक्सीलेटर और साइक्लोट्रॉन गिवन बिलो। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर आप हीलियम में बाइंड करवा के फ्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन रूटीन यूज फॉर लेबलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक हो गया। एक होता है हमारे पास होता है स्पेक्ट सिंगल फोटोन एमिशन टोमोग्राफी, और एक हमारे पास होता है पेट पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। जब आगे हम स्कैन में जाएंगे तो वहां पे इनका डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद वो कहता है 67 गैलियम इज वाइडली यूज्ड फॉर सॉफ्ट ट्यूमर एंड ऑकल्ट एब्सेस डिटेक्शन। ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं? जिंक के ऊपर प्रोटॉन की बॉम्बमेंट करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके दो न्यूट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है, जिससे क्या बनता है गैलियम 67। जिंक 68 30 होता है, गैलियम 67 31 होता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। बिकॉज इन दीज डायरेक्शंस प्रोटॉन्स आर एडेड टू अ न्यूक्लियोइड, दीज आर जनरली बीटा पॉजिटिव नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग रेडियो न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, क्योंकि हम इनके ऊपर प्रोटॉन की बॉम्बमेंट करवा रहे हैं, तो ये इस तरह के रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं जो क्या नाम है आपके इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग या फिर बीटा नेगेटिव या पॉजिटिव एमिटर्स होते हैं। उसके बाद आता है फिशन प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लियोइड, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए हैवियर न्यूक्लियस इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियस कॉल्ड फिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूरेनियम लेते हो या प्लूटोनियम लेते हो, जो कि बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास हंड्रेड्स में है। ठीक है, तो उनको अगर आप किसी पार्टिकल की बॉम्बमेंट करवा के तोड़ के दो या तीन छोटे एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करें, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिशन। बेरियम एंड क्रिप्टॉन आर नॉट ओनली द एलिमेंट्स फॉर्म्ड इन फिशन। ठीक है, सिर्फ बेरियम ही और क्रिप्टॉन ही ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो कि यूरेनियम के फिशन में प्रोड्यूस होते हों। एक्चुअली एवरी एलिमेंट फ्रॉम जिंक 30 टू डिस्ट्रोपियम 66 हैज बीन आइडेंटिफाइड इन फिशन रिएक्शंस। ठीक है, अगर आप यूरेनियम का फिशन करवाते हो, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की बॉम्बमेंट के थ्रू, तो उसके अंदर सिर्फ बेरियम में क्रिप्टॉन प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि 30 अबव एलिमेंट्स की प्रोडक्शन नोट की गई है। ठीक है, बिसाइड्स द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लियोइड्स ऑफ इंटरमीडिएट एलिमेंट्स ड्यूरिंग फिशन, अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक फिशन रिएक्शन के अंदर आपके एलिमेंट्स डिफरेंट तो प्रोड्यूस होते ही होते हैं, बट उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। न्यूट्रॉन इनिशिएट्स अ फिशन बाय बीइंग कैप्चर्ड, जेट मोर देन वन न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फिशन। ठीक है, एक न्यूट्रॉन को आप एलिमेंट के ऊपर बम्बार्ड करवाते हो तो उसको तोड़ देता है और उससे आगे तीन न्यूट्रॉन्स और एमिट करता है। दीज एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स कैन देन कॉज फर्दर फिशन, देयर बाय प्रोड्यूसिंग एन इवन लार्जर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक न्यूट्रॉन एक एलिमेंट के ऊपर बम्बार्ड हुआ, उसने आगे तीन न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस किए, वो तीन के ऊपर करेंगे, अगले तीन और तीन पे करेंगे। ठीक है, मतलब यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, एक अनकंट्रोल्ड आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज अ चेन रिएक्शन एंड विल थियोरेटिकली कंटिन्यू अंटिल द सप्लाई ऑफ फिशनेबल मटेरियल एग्जॉस्टेड। ठीक है, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आपके पास रेडियो एक्टिव वो फिशनेबल मटेरियल जो है लाइक यूरेनियम, अगर वो एग्जॉस्ट नहीं होता, और यूरेनियम की हाफ लाइफ मैंने बताया था हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है, वो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, an uncontrolled chain reaction of fissionable material is called an atomic bomb. जो आपका एटम बम है उसके अंदर फिशन का प्रोसेस यूज करके ही सारा जो एक्सप्लोजन है वो करवाया था। ठीक है, ये इसीलिए इतना डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि इसके अंदर जो एक न्यूट्रॉन है उसने आगे लाखों प्रोड्यूस करने। ठीक है, उसकी ये एग्जाम्पल नीचे दिखा दी उन्होंने कुछ इस तरह से, ये आप लोगों ने FSC में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, एक ने स्ट्राइक किया यूरेनियम पे, उसने उसको ब्रेकअप किया इंटू टू एलिमेंट्स और आगे तीन न्यूट्रॉन्स, अब वो तीन न्यूट्रॉन्स अगले तीन एलिमेंट्स को करेंगे, अब वो तीन से जो टूटेंगे उससे हर एक के अंदर से तीन 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 प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, मतलब 3 × 3 × 3 × 3 इस तरह चलता जाएगा। ठीक हो गया पावर्स में, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर। कोई मसला मसाइल?
अच्छा A controlled chain reaction, however, that is very good source of a large number of neutrons and of energy is known as a nuclear reactor. ठीक है, अगर हम इस process को control कर लें, ठीक है, तो हम एक controlled reaction create कर सकते हैं. ठीक है, वो कैसे control करेंगे कि ये जो हमारे क्या नाम है, हमें जितना यानी कि material required है उसके accordingly, ठीक है, वो आप लोगों ने शायद FSC में पढ़ा होगा कि lead की क्या नाम है, वो bars लगा देते हैं अपने nuclear reactor के अंदर. ठीक है, कुछ इस तरह से कि ये वाला जो न्यूट्रॉन है ये भी रुक जाए और ये वाला जो है ये भी रुक जाए. ठीक है, ये आगे जाएगा. ठीक है, तो एक ही सिमिलर फैशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट पे जाके स्ट्राइक करेगा और उसके आगे फिर तीन प्रोड्यूस होंगे. सिमिलर आगे फिर बाढ़ लगी होगी, उसमें से फिर एक ही आगे पास कर पाएगा और एक ही प्रोड्यूस होगा. इससे क्या होगा, आपका एक कंट्रोल डायरेक्शन रहेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. Iodine-131, so commonly used in nuclear medicine, is produced by fission. ठीक है, Iodine-131 जो हम use करते हैं, वो fission से produce किया जाता है. Another example of a fission produced radionuclide is molybdenum, the parent radionuclide of technetium-99m. ठीक है, जो iodine हम use करते हैं, ठीक है, और जो molybdenum हमारे पास आता है in generators, ठीक है, वो भी किससे produce हुआ था, fission से. इसने आगे nuclear uranium के एक और example दी हुई है. ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है, जनरल कंसीडरेशंस इन द प्रोडक्शन ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड्स. ठीक है, जब आप रेडियोन्यूक्लाइड प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो आपको किन किन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी प्रोड्यूस इन टाइम टी इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ठीक है, द नंबर ऑफ बॉडी पार्टिकल्स पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स. ठीक है, आपके कितने बम्बार्डिंग पार्टिकल कितने सेकंड में कितने एरिया को स्ट्राइक कर रहे हैं. ठीक है, जो आपकी क्या नाम है एलिमेंट है जहाँ पे पड़ा हुआ है उसके कितने हिस्से को ऊपर वो स्ट्राइक कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स. द टोटल नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियर इरेडिएटेड. ठीक है, कितने न्यूक्लियस के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया, एक न्यूक्लियस, दो, तीन, चार, कितने. ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय एन इंटू वी, व्हेन एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द टारगेट मटेरियल बीइंग इरेडिएटेड. ठीक है, द टाइम ऑफ इरेडिएशन कितनी देर बोमबार्डमेंट करवाएगी, द हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड प्रोड्यूस्ड. ठीक है, वो जो रेडियोन्यूक्लाइड प्रोड्यूस हुआ है उसकी हाफ लाइफ क्या होगी और उसका डिके कांस्टेंट क्या है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन, द यूनिट इज बॉन्ड व्हिच इज इक्वल टू 10^-24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस सेक्शन से, उसका यूनिट है बॉन्ड. ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से करते हैं डिनोट, रेडियोएक्टिविटी इक्वल टू क्रॉस सेक्शन इरेडिएटेड. ठीक है, टाइम टी. ठीक है, और लैम्डा कहाँ था, किधर गया लैम्डा, हाँ, हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट. ठीक है, फ्लक्स. ये पूरा यानी कि जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं सबको इकट्ठा करके एक उन्होंने रेडियोएक्टिविटी का फॉर्मूला बना के आपको दे दिया. ठीक है, कि आपकी रेडियोएक्टिविटी जो एक टाइम पर प्रोड्यूस होगी एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, वो इन इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. जी जी पूछो पूछो. किसी का कोई सवाल है पूछ लो. नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? सर, लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि बैक्रेल जो है वो बड़ा यूनिट होगा, लेकिन स्लाइड्स में लिखा हुआ कि बैक्रेल इज अ स्मॉल यूनिट. मैंने बैक्रेल बड़ा बताया था जी. मे बी अ ह्यूमन एरर. बैक्रेल एक छोटा यूनिट है. ठीक है, लाइक आपको 1 मिली क्यूरी के अंदर ना 37 मेगा बैक्रेल्स मिलते हैं. ठीक है, यानी कि 1 मिली क्यूरी, अगर यानी कि आप 1 मिली, लाइक अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 ml है एक चीज, ठीक है, वो 1 लीटर है एक चीज. ठीक है, तो ml जो है वो एक छोटा यूनिट है और लीटर एक बड़ा यूनिट है. ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1 लीटर है तो उसके अंदर कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं. ठीक है, सिमिलरली 1 क्यूरी के अंदर आपको 37 मेगा बैक्रेल मिलते हैं. इट मींस के बैक्रेल एक छोटा यूनिट है. सॉरी अगर वो इस तरह हो गया तो मे बी अ ह्यूमन एरर. ठीक है, ओके सर. एक और चीज भी मैंने पूछनी थी, आपने ये भी बताया था कि अगर हमने कोई 2 रेडियोन्यूक्लाइड से एक जितनी रेडियो एक्टिविटी गेन करनी होगी तो उसमें दोनों के जो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं उनकी अमाउंट को हम देखेंगे कि वो सेम हो, वेट मैटर नहीं करता. तो सर, 7th स्लाइड में लिखा हुआ कि आयोडीन का और टेक्नीशियम का बताया हुआ कि उनकी रेडियो एक्टिविटी सेम है 37 मेगा बैक्रेल, लेकिन उनके नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स तो डिफरेंट है वहां पर.
तो ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि हर एक का डिके कांस्टेंट डिफरेंट है। इस बेस के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक फॉर एग्जांपल मैं टेक्नीशियम का बोलता हूँ, तो टेक्नीशियम का अगर डिके कांस्टेंट का रेट ये है कि वो 50 उसके न्यूक्लियाइड्स जो हैं वो डिके करेंगे 10 सेकंड में, ठीक है। और आयोडीन का डिके कांस्टेंट का रेट क्या है कि उसके सिर्फ 25 डिके करेंगे, ठीक है। इट मींस के एक टाइम के ऊपर आयोडीन की जो रेडियोएक्टिव एटम्स की तादाद हमारे पास ज्यादा रहेगी, ठीक है। चाहे दोनों की हमारे पास रेडियोएक्टिविटी 37 मेगा बैक्रल है। अब समझ आ गई? तो मतलब फिर सर हमने वेट को भी कंसीडर करना है? बेटे वेट को कंसीडर नहीं करना, उसने सिर्फ आपको ये बात समझाई है कि डिके कांस्टेंट हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद जो रेडियोएक्टिव एटम्स है ना उनकी अमाउंट वेरी कर रही होती है। चाहे आपके पास वेटेज सेम हो, ठीक है, बट जो अंदर रेडियोएक्टिविटी है ना वो वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि उनका डिके करने का जो रेट है ना वो डिफरेंट है। ठीक है सर। ठीक है। और कोई सवाल किसी बच्चे का? सर स्लाइड नंबर 18 में एक डायग्राम है, वो समझा दे। स्लाइड नंबर 18 जी, क्या समझ? सॉरी 17। हां जी, कौन सी वाली? सर मेरे पास जो लेक्चर है उसमें है 17 में एक डायग्राम है। आपके पास कौन सा लेक्चर है? सर आपके ही लेक्चर्स है। पुराने वाले लेक्चर्स छोड़ दो ना बेटे। ओके सर। जी अच्छा, तुम पता नहीं कितों पुराने लेक्चर चुकी जांदे हो सीनियरों को मांग मांग के, आज जेड़े मैं नए भेज रहा हूं उन्होंने फड़ो। नहीं सर, वो आपने मेल की हुई थी। तो मैंने यही वाला लेक्चर मेल किया आप लोग, बल्कि ये तो ये मैंने तुम लोगों को मेल किया? नो सर, वो पहले ही मेल में थे की आपने कहा था। हाँ जी, तो आपके पास लेक्चर फिर यानी कि सीनियर्स वाला ही पड़ा हुआ। ओके सर, ठीक है। तो हम ना करें? जी नहीं, क्योंकि देखो बेटे एक चीज ये मैंने लास्ट सेमेस्टर भी पढ़ाया था, ठीक है। जैसे जैसे चीज आपकी आगे जाती है ना तो उसके अंदर थोड़ी रिफाइनमेंट आती है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम लेक्चर से, अब जब लेक्चर दोबारा क्या नाम है देखा जाता है ना, तो उसके अंदर ये जो जो ये वाली इमेजेस है ना, ठीक है, ये जो ये वाली हैं ये भी देखिएगा, ये उनके अंदर नहीं होंगी, क्योंकि उनको मैंने पढ़ाया था 50-50% हाइब्रिड के ऊपर, तो उनको ऑन कैंपस बुला के उनको समझ आ जाती थी, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को नहीं आएगी, इस वजह से मुझे ये वाले इमेजेस डालने पड़े। अगर आप वही वाला लेक्चर करोगे तो आपको ये वाले इमेजेस उसके अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो लेक्चर्स न्यू भेजूंगा उनके ऊपर फोकस करना, ठीक है। जरा मैं छोटी सी अटेंडेंस लगा लूं। एमन अभी है क्लास में? मानिया ताहिर, मानिया ताहिर, फिर ये बच्ची कहेगी सर मेरी एब्सेंट लग गई, मैं तो प्रेजेंट बोली थी। अरीबा नासिर, दाऊद, हाफिज सलमान, लिंता, जी सर, मलीहा मरियम,
शहीद जैदी मुशाहिद मुशाहिद रहीम प्रेजेंस सर सुंबल मुश्ताक हैं क्लास में सुमैया सादिया प्रेजेंट सर तैमूर मुजाहिद उमर अहमद उमर अमन प्रेजेंट सर वलीद मलिक जैनब जरकम सर सर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा लगा दिया आपकी अटेंडेंस ठीक है बच्चों जा सकते हो थैंक यू सर प्रेजेंट सर मेरी अटेंडेंस लग गई सर लग गई है सर मेरी लग गई लग गई है मेहरबानी रोलन डालना सर मेरी लग गई क्या भी रहूं कि लग गई है ठीक है बच्चों ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ सर